गुरु हर राय साहब सतवें गुरु जी ने सानू कुदरत नाल प्यार करन दा एक संदेश दिता, होर इंसाना प्रति, कुदरत प्रति अते होर जीव जंतुआ प्रति एक दया की बिरती पैदा करने लई प्रेरित किया। उन्हां ही गुरु साहबान का गुरगद्दी दिवस 14 मार्च चेत पहली नूं सिख वातावरण दिवस के तौर के उत्ते इको सिख जथेबंदी वालों मनाया जाता है। यह कार्य पिछले 2010 तो शुरू होके ते सानू इस गल की बड़ी खुशी है कि पिछले साल 4100 गुरुद्वारा साहबान, स्कूल्स, कॉलेजेस, खालसा स्कूल्स, गुरमत स्कूल्स, सारी दुनिया के सिख जगत ने बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल सिख वातावरण दिवस मनाया ते कुदरत नूं बचाउण लई कई कदम चुके। आओ रल के आपां सारे इस दिन नूं मनाईए, गुरु हर राय साहब जी दे दित्ते संदेश नूं सारी दुनिया विच प्रचारीए ते कुछ कदम चुकीए। 7 सरल कदम असी इको सिख दे फेसबुक पेज दे उत्ते भी ते वैबसाइट दे उत्ते भी लिस्ट कीते ने। पहला है ग्रीन दीवान ऑर्गेनाइज किया जाए जिदे विच गुरबाणी दे विच कुदरत संबंधी जिहड़े शब्द आए हन उन्हां दा गायन होवे ते गुरु हर राय साहब जी दीआं साखियां दा विख्यान होवे, बच्चां दे नाल डिस्कशनस होण ते तुसीं रुख लगाउण दे लई वी कुछ कदम चुक सकदे हो ते नाल ही गुरुद्वारा साहब नूं ईको फ्रेंडली बनाउण लई उत्थे वाटर कंजर्वेशन पानी दी बचत लई ते खास करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग लई कदम चुके जा सकते हैं ते रीसाइकलिंग प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। स्टायरोफ्रोम दीआं प्लेटां ते होर जिहड़ी उत्थे कटलरी दा यूज बंद करके स्टील प्लेट्स चलाउण दा तुसीं एक कदम चुक सकते हो। गुरुद्वारा साहब दे विच ऑर्गेनिक लंगर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरह ही नेचर वॉक जां बाइसाइकल रैली ऑर्गेनाइज की जा सकती है ते नाल ही असी चाहवांगे कि गुरुद्वारा साहब दे विच कोई सैमीनार ऑर्गेनाइज किए जाण जिहदे विच इनवायरमेंट दे जिहड़े एक्सपर्ट्स ने उन्हां नाल डिस्कशनस करके समूहक तौर दे उत्ते संगत वल्लों कुछ कदम चुकण दा वी फैसला सानूं करना चाहीदा है। इस दे नाल सारी दुनिया दे विच इक संदेश जांदा है कि सिख जिहड़े ने वाकई गुरु नानक देव जी दे दित्ते संदेश पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत लई वचनबद्ध ने ते उहनूं सीरीयस लैंदे ने ते कुदरत नूं बचाउण लई अपना योगदान पाउण लई तैयार ने। आओ सारे रल मिल के एक यूनीक तरीके दे नाल सिखिज़म दा प्रचार करिए, सिख वैल्यूज़ नूं सारी दुनिया विच फैलाइए ते इस धरती नूं जिसनूं कि इस वेले बहुत वड्डा थ्रैट है क्लाइमेट चेंज दे नाल ते पंजाब दे विच सिर्फ 4% इस वेले जंगल फॉरेस्ट एरिया रह चुक्या है ते जिहड़ा उत्थों दी धरती है, उत्थों दा पाणी, उत्थों दी हवा इस वेले प्रदूषित हो चुकी है जिहदे नाल कि आम लोकां लई उत्थे जीउण लई वी ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ 14 March ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ।